Hey everyone, this is Nushat and you are watching your favorite channel in Kedukia. You know bachcho, today in this science lecture we are going to study about very important term that is speed. Aaj hum janenge speed kise kehte hain, average speed kise kehte hain. Okay, you know bachcho, speed equals to what? The distance traveled by an object in a unit time is referred as speed. The distance traveled by an object in a unit time is referred to as speed. You know, अगर कोई object distance travel करती है given time में, जितनी भी distance करती है एक limited time में, then that is called the speed of that object. तो हम कह सकते हैं कि वह you know उस object की क्या है, speed है. और speed को हम कैसे represent कर सकते हैं, what is the formula of speed? हम formula के through you know definition के through हम इसे derive कर सकते हैं. स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्ट में कहेंगे बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ लेट्स नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की यूनिट क्या होती है, देन यू नो बच्चों दैट स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस को हम सिंपली टाइम से डिवाइड कर स्पीड निकाल सकते हैं, राइट. अगर हम ध्यान से देखें व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस लेंथ होती है ना, सो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर. तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर हो गई. एंड टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड. सो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड. द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और हम कह सकते हैं मीटर सेकेंड टू पावर माइनस वन. नौ बच्चों, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं. अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन 6 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार. एक कार 480 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 आवर में तय करती है, तो उस कार की स्पीड क्या होगी, कैसे सोल्व करें. यू नो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है. देन डिस्टेंस इक्वल्स टू 480 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर. टाइम इज 6 आवर, सो टाइम इक्वल्स टू 6 आवर्स. देन स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड क्या होगी. देन वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर. टाइम क्या है बच्चों, 6 आवर्स. सो 480 किलोमीटर को 6 आवर्स से डिवाइड करेंगे. 6 एट ज़ा 48 एंड 10. 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द कार. कार की स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर. आई होप स्पीड की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट. नाउ लेट्स प्रोसीड एवरेज स्पीड. अब हम जानेंगे एवरेज स्पीड किसे कहते हैं. देन यू नो बच्चों, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, देन दैट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे बच्चों.